शगुन, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या किया मैंने इशिता? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम नाटक कितना अच्छा कर लेती हो, है ना? अच्छा कर लेती हो ना? यू नो, तुम जब मुझे कॉम्प्लीमेंट देती हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक्स। वैसे मैं तुमसे भी बहुत इंप्रेस्ड हूँ। तुमने एक्चुअली पकड़ लिया कि मैं नाटक कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा देर से पकड़ा, क्योंकि मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। जो मैं पाना चाहती थी मैंने पा लिया। अब मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, सबके सामने ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये सब एक नाटक था। करोगी प्रूफ? क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? ऑलराइट, जो तुम्हें कहना था बोलना था वो तो तुम पुलिस और कोर्ट में बोल चुकी, इसलिए कन्फ्रंटेशन के लिए कोई डायलॉग नहीं बचा तुम्हारे पास, है ना? कुछ नहीं बचा बोलने के लिए। समझ ही नहीं आ रहा क्यों, मतलब जिस पर इतने सालों बाद सब लोगों को भरोसा हुआ था, 7 साल तक पूरे परिवार ने तुम पे भरोसा कर लिया, पर वो शगुन एक्चुअली पतली नहीं थी, वही 8-9 साल पुरानी शगुन थी, वही शतरंज के खेल खेलने वाली, खुद को उठाने के लिए दूसरों को गिराने वाली। मुझे यकीन नहीं आ रहा, पर क्यों शगुन? तुम्हें मुझसे गिले शिकवे थे, तुमने मुझे किडनैप करवाया, मुझे मारने की कोशिश की, तो करती ना, तो मुझसे बदला निकाला तो तुम बदला निकालती, जो करना था मेरे साथ करती। तुम जिसे अपनी बच्ची कहती हो पीहू, तुमने उसे इन्वॉल्व किया, उसे क्यों इन्वॉल्व कर रही हो तुम? रियली? अब तुम मुझे सिखाओगी? तुम हो कौन, इशिता देवी माता? जब से वापस आई हूँ पूरे परिवार को पागल करके रख दिया है, सब बस इशिता 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 के गुड़ खाते। मेरे खुद के बच्चे, इशिमा ये इशिमा वो, सबको बस इशिमा की ही पड़ी है। तुम जाती क्या हो? मैं अभी तुम्हारी आरती उतारू, इशिमा इशिमा करू। वैसे एक बात बता, तुम्हें आज कैसा लगा जब ब्रह्मन ने, पूरे परिवार ने तुम्हारी बात का विश्वास नहीं किया? इसी ट्रस्ट को तो मैं तोड़ना चाहती थी, इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला ये देखकर कि कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर रहा। तुम अब तक जो कर रही थी ये सब बदले की भावना से कर रही थी, इतना फ्रस्ट्रेशन, एंड आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन। शगुन, तुमने 7 साल में बहुत कुछ किया है, और मैं इज्जत करती हूँ तुम्हारी उसके लिए, लेकिन तुमने बदला निकालने के लिए पीहू का इस्तेमाल किया। तुमने भी तो रूही का इस्तेमाल किया था, आदि का इस्तेमाल किया था, सबको मेरे खिलाफ किया था तुमने। अगर मैंने पीहू को मैनिपुलेट किया तो इसमें क्या गलत बात है? पीहू मेरी बच्ची है, नौ महीने मैंने उसे पेट में पाला है, मैंने किसी का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने उन लोगों को तुम्हारे खिलाफ नहीं किया, तुमने पीहू को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे तुम्हारे खिलाफ हुए तुम्हारे बर्ताव के कारण, मेरे कारण नहीं। एंड ये जो तुम कर रही हो ना, पीहू को गलत रास्ते पे ले जा रही हो, ये जब लोगों को पता लगेगा ना, सब मेरे साथ खड़े होंगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। रियली? अब तुम चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर भी सबको बताओगी ना, कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। आई मीन इमेजिन, आज तो तुम्हारे पास सबूत भी था, वो लेटर अनिल नागपा, किसी ने तुम्हारी बात मानी? नहीं मानी ना, तुम ना ही मेरी शादी को रोक पाई और ना ही तुम पीहू को मुझसे अलग कर पाओगी। तुमसे झूठ सिखा रही हो, फरीब सिखा रही हो, इस रास्ते पर वो तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं चलेगी, क्योंकि वो मेरी बेटी है। लेकिन क्या पीहू ये जानती है? नहीं जानती ना। एक्चुअली यू नो व्हाट इशिता, तुमने मेरे लिए सब कुछ इतना आसान कर दिया है, तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है,
अपने मनी जैसे लड़के से मेरी शादी करा के मुझे तो सेटल कर दिया, लेकिन अपनी लाइफ को तुमने अनसेटल कर दिया है। यू नो, जैसे ही मुझे शादी की अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने तो यूं हाँ कह दिया। जानती हो क्यों? अब एक सिंगल मदर के लिए कस्टडी के लिए लड़ना इट्स अ लिटिल शेकी ना। अभी देखो, मेरे पास सब कुछ है। एक अच्छा हस्बैंड जो बिजनेसमैन है, सेटल्ड है, सिक्योर है, और फिर मैं भी बुरी नहीं हूं, और फिर तुम तो जानती हो कि मनी बच्चों से कितना प्यार करता है, इसलिए पीहू की कस्टडी मिलना मेरे लिए बहुत आसान है। अब तुम किसी भी कोर्ट में चली जाओ, मेरी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। तुम्हें याद है जैसे तुमने रूही को मुझसे छीना था? रमन से शादी की थी रूही की कस्टडी के लिए, उसी तरह मैंने भी मनी से शादी की है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने मेरी शादी मनी से करवाई है। अब पीहू को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। रूही ने तुम्हें चुना था, उसी तरह पीहू भी मुझे चुनेगी, अपनी मां को। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूं कि तुम मेरी पीहू को मुझसे कभी अलग नहीं कर पाओगी। पीहू मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। प्लीज शकुन, तुम में और मुझ में कोई कंपैरिजन नहीं है। तुम अपने आपको मुझसे कंपेयर करके ना मेरी इज्जत मत गिराओ। जो तुमने किया वो सब मैंने कभी भी नहीं किया। मैंने रमन को तुमसे छीना नहीं, ना मैंने रूही को तुमसे छीना। तुम रमन को एक 6 महीने की बच्ची को छोड़कर गई थी किसी दूसरे आदमी के लिए, छीना नहीं गया है उन्हें तुमसे। और रूही, उस बच्ची को तो पता भी नहीं था कि माँ का प्यार क्या होता है, और जब वो मुझसे मिली थी मुझे नहीं पता था कि माँ की ममता क्या होती है। उससे मैं मिली, अपने आप प्यार हो गया, मोहब्बत हुई थी हमें, और वो जो मोहब्बत थी मेरी और रूही के बीच, उसके कारण मैं रमन से जुड़ी। ये रिश्ता मोहब्बतों का रिश्ता है, छीना झपटी का नहीं जो तुम समझ रही हो, और तुम मुझे अपने आप से कंपेयर कर रही हो। रूही और आदि ने मुझे चुना था, उन्होंने मुझे अपनी मां बनाया, उनके पास चॉइस थी जो तुमने पीहू को नहीं दी है। वो जानती भी नहीं है कि उसकी मां कौन है। तुम्हारे बच्चों को पता था फिर भी वो मेरे पास आए, लेकिन तुम ये सीधा साधा अच्छा रास्ता कैसे समझ सकती हो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ झूठ और फरेब के रास्ते पे ही चलना आता है शकुन। हाँ हाँ, तुम बहुत अच्छी हो, तुमसे अच्छा तो कोई दुनिया में है ही नहीं ईशिता। लेकिन 7 साल बाद जब तुम ऑस्ट्रेलिया से वापस आई तो कहाँ गई वो अच्छाई? एक बार भी मेरे बारे में सोच, बस वापस आ गई और एक झटके में मेरा सब कुछ छीन लिया। रमन, मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार। तुम यहाँ रूही को अपने परिवार से मिलाने आई थी ना, फिर तुमने मेरे पूरे परिवार पर कब्जा क्यों कर लिया? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? था तुम्हारी बच्ची की सरोगेट माता बनी, 7 साल तक तुम्हारी बच्ची को पाला मैं, और तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। अपनी ममता पर बहुत गुरूर है ना तुम्हें? मैं भी 3-3 बच्चों की मां हूं, जिनमें से 2 को तुम मुझसे छीन चुकी हो। लेकिन नहीं, मैं मेरी पीहू को तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगी। मैं नहीं छीन रही हूं उसे तुमसे, यही तो बता रही हूं। शकुन, पीहू तुम्हारी है और हमेशा वो तुम्हारी बेटी रहेगी। तुम दोनों का प्यार मैं कैसे खत्म कर सकती हूँ? शगुन, बिलीव मी। देखो, सबसे अच्छी बात तो ये कि उसके पास 2-2 माँ है, हम दोनों का प्यार है, और क्या चाहिए उसे? शगुन, तुम बस इनसिक्योर हो फिलहाल। मुझे मेरी बच्ची भीख में नहीं चाहिए, मैं अपनी बच्ची को हक से लूंगी, वो मेरी बच्ची है। और इशिता, अच्छाई से मुझे मिला क्या? तुम आई और मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। और अगर आज मैं ऐसी हूं ना,
उसकी जिम्मेदार तुम हो। You pushed me to this extent. क्या नहीं था मेरे पास? रमन था, परिवार था, पीहू थी, सब कुछ था, और अभी देखो कुछ भी नहीं है मेरे पास। सब कुछ छीन लिया तुमने मुझसे। मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना है। तुमने अपने 7 साल दिए उस परिवार को, उसके बाद भी वो परिवार तुम्हारा नहीं हो पाया। रमन तुम्हारे पति बनकर रहे 7 साल तक, फिर भी तुम्हारे पति नहीं बने। मेरे आने पर सब बदल गए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे थे नहीं। तुमने उन्हें पाने की कोशिश की है, तुमने कोशिश की है कि बस छीन लूं। जब तक सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चला सब अच्छा था, और जैसे कुछ इधर उधर हुआ तुम वापस वैसे हो गई, उसी रास्ते पर आ गई। और शगुन, मैं ना तो छीनने आई थी और ना अभी छीन रही हूं। मुझे सब खुद मिला है, उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे सब दिया है। और जो रहा सहा प्यार था ना तुम्हारे लिए उनके अंदर, एक बार सब सामने आ गया ना, ये प्यार भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पास फिर कुछ भी नहीं बचेगा। पीहू मुझसे बहुत प्यार करती है क्योंकि वो मेरी बेटी है और वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी। धोखेबाज को हमेशा धोखा ही मिलता है, और पीहू में मेरा खून दौड़ता है। वो गलत रास्ते पर तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त तक नहीं चलेगी। तुमने चैलेंज दिया, अब मेरा भी चैलेंज लो। पीहू तुम्हें छोड़कर खुद मेरे पास आएगी, हमेशा हमेशा के लिए। We'll see.